देखते रहिए यूबीएन 08 न्यूज ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। आज दिनांक 7 जनवरी 2019 को भगवत कथा का समापन हुआ। 7 दिन तक भगवतों ने गीत संगीत नृत्य और झांकियों के साथ श्रीमद् भगवत कथा का आनंद लिया। श्री कृष्ण गोशाला द्वारा आयोजित इस आयोजना में ऋषिकेश से पधारे संत और कथावाचक श्री हरिदास जी महाराज का विशेष योगदान रहा। उन्होंने आयोजन से प्राप्त होने वाली सोम की दान राशि तथा गो सेवा के लिए समर्पित कर दी। हमारे साथ बने रहिए ताजा खबरों के लिए। क्या नाम साहब आपका, क्या नाम है? मेरा नाम इंदर सिंह सोंदिया है और ये श्री कृष्ण गौशाला समिति इसमें 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक जो है भागवत कथा का आयोजन किया गया और इसमें सभी आसपास के ग्रामीण जनों ने विशेष योगदान दिया और 7 दिनों तक जो है आसपास के लोगों ने भागवत कथा का आनंद लिया। सभी दूर से पधारे हुए और जो श्रोतागण है सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कार्यकर्ता समेत धन्यवाद। तो कपटयुक्त कथा होगी और दूसरी बात, कथा के माध्यम से मुझे इतना धन मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, अगर ये दृष्टि होगी तो ये भी कपटयुक्त कथा होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जयकार करो आज ज्यादा प्रसाद मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी आप कहाँ से आए? और रामानंद संत आश्रम जी ऋषिकेश। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ के लोग, यहाँ के भक्तजनों का? बहुत श्रद्धा, गांव में श्रद्धा मिलती है, शहर में सुविधा मिल जाएगी लेकिन इतनी श्रद्धा नहीं मिलती है जितनी गांव वाले भोले भाले भक्तों में होती है। अच्छा, गाय के जो भक्त लोग हैं, गाय माता के जो भक्त हैं, उनके लिए आपका संदेश विशेष? बस संदेश यही है, सभी गौ भक्तों का मेरा यही संदेश है कि गौ माता की आप सेवा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जिसने गौ की सेवा कर ली है उसने सभी देवी देवताओं की सेवा कर ली है, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है, ऐसे हमारे भारतीय सनातन धर्म के वेद कहते हैं। तो वेदों का आदेश और वेद में जो बात कही है वो सत्य होती है। तो गौ माता की सेवा कर ली उसने सभी देवताओं की सेवा कर ली है। गाय हमारी माँ है और हमारे लिए बहुत शरीर के लिए।